नमस्कार दोस्तों। तो आज चलिए हम लोग आज एक नए वीडियो में ये इतिहास का जो दसवीं कक्षा के इतिहास का जो हिंदी माध्यम का जो ये एक मेरा इसमें जो हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं इसको हिंदी माध्यम में इसमें हम लोग आज हम लोग क्रांतियों का युग पढ़ेंगे। क्रांतियों का युग 1830 से 48 का। तो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसे वहाँ का यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, फ्रांस की क्रांति का राष्ट्रवाद का योगदान और यह एक राष्ट्रवाद का निर्माण, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, आखिर ये सब कैसे धीरे धीरे बना। तो फ्रांस की क्रांति के बाद हमने जैसे देखा कि फ्रांस में नेपोलियन के पतन के बाद वहाँ पर जैसे एक वहाँ जो एक प्राचीन पुराने बोर्बो राजा को, एक बोर्बो वंश के राजा को वहाँ फिर से स्थापित कर दिया गया और एक पुरानी व्यवस्थाओं में से कुछ वहाँ की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी उसे बर्खास्त कर एक और नेपोलियन द्वारा लागू किए गए सुधारों को भी स्थगित कर दिया, हटा दिया गया, उसे बर्खास्त कर दिया गया और फिर लोगों में किस तरह की एक असंतोष की भावना उत्पन्न होती है और फिर ऐसे ऐसे वो आगे, चलिए इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकतों को मजबूत बनाने की कोशिश की पूरी यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद की को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। इटली और जर्मनी के ऑटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड और पोलैंड ऐसे ही कुछ क्षेत्र थे। अब हुआ ऐसा कि जैसे ही वहाँ पर रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकत को दोबारा मजबूत करने की कोशिश की, यानी कि वो जो राजा और उनके जो समर्थक थे उन्होंने अपने करना शुरू किया, तो वहाँ पर इसके प्रतिक्रिया स्वरूप जो उदारवाद और राष्ट्रवाद की जो ये दोनों एक साथ मिलकर सामने आने लगे। और इटली और जर्मनी के जो राज्य थे, जर्मनी में तब 30 से अधिक छोटे छोटे राज्य थे, ऑटोमन साम्राज्य के कुछ रियासतें जो सूबे थे, जो राज्य थे उसके ऑटोमन साम्राज्य के, जैसे आयरलैंड हुआ, पोलैंड था या फिर वो ग्रीक भी है इसमें शामिल, इन क्रांतियों का नेतृत्व ये सब इन क्षेत्रों में ये देखने लगा। इन क्रांतियों का जो नेतृत्व है उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया, जो कि मूल रूप से शिक्षित मध्यवर्गीय विशेष वर्ग के अभिजात वर्ग के लोग थे। इसमें प्रोफेसर, स्कूली अध्यापक, क्लर्क और वाणिज्य व्यापार में लगे मध्यवर्ग के लोग शामिल थे। 15 से प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ, जिसे जुलाई क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। बोर्बो राजा, जिन्हें 1815 के बाद रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया था, उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका। 1815 में इनको बहाल किया गया था, किसको, बोर्बो राजा थे उनको बहाल किया गया था। लेकिन फ्रांस की क्रांति जो जुलाई 1830 में हुआ, इसमें इसको उखाड़ फेंका गया, किसके द्वारा, क्रांतिकारियों, उदारवादी क्रांतिकारियों द्वारा। उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया, वहाँ पर एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया, यानी एक राजा होगा, राजतंत्र होगा, लेकिन वो राजा संविधान, यानी कि एक संसद होगा, संसद के द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन उसको काम करना होगा। जैसे कि बीच में नेपाल में भी ऐसी स्थिति बनी थी, अभी भी कुछ देशों में जैसे जापान में भी एक संसदीय और संवैधानिक लोकतंत्र है, नीदरलैंड में भी संसदीय संवैधानिक लोकतंत्र है, संसदीय संवैधानिक राजतंत्र है। तो ऐसे में जहाँ उनकी जगह पर एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया, जिसके अध्यक्ष लुई फिलिप था, जिनके यहाँ मतलब राजा लुई फिलिप को बनाया गया था। मैटरनिख ने एक बार यह टिप्पणी की थी, मैटरनिख एक उत्तर ये यूरोप के एक विचारक हुए, एक विद्वान हुए, उनकी एक टिप्पणी थी कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाता है, बाकी यूरोप को भी सर्दी जुकाम हो जाता है। जुलाई क्रांति से ब्रुसेल्स में भी विद्रोह भड़क उठा और यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो गया। ब्रुसेल्स एक देश है जो कि नीदरलैंड से अलग हुआ। आप इसको मैप को देखेंगे तो यूरोप का उत्तरी हिस्से में जो आप देखेंगे इसके साथ एक नीदरलैंड एक देश है, उसी के पास ब्रुसेल्स भी है। ब्रुसेल्स नीदरलैंड से अलग हो गया, उसके साथ ये हुआ क्योंकि ये जो फ्रांस में हुआ कि लोग फ्रांस को काफ़ी आगे देखते थे और फ्रांस से पूरा यूरोप सीखता था, वो दौर एक ऐसा दौर था और फ्रांसीसियों में इस बात का अकड़ और घमंड भी देखने को मिला है। जब आगे इसके बारे में जब देखेंगे तो इसको समझ में आएगा। आगे एक घटना ने पूरे विश्व के एक शिक्षित अभिजात वर्ग के राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया था, वह थी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। अब एक यूनान जिसको कि प्राचीन ग्रीस बोलते, यहाँ का सिकंदर था, सिकंदर जो जिसने भारत तक अभियान किया था, भारत विश्व विजय अभियान पर निकले थे और भारत तक पहुँचे थे, काफ़ी प्रचलित हस्ती रहे हैं सिकंदर या अलेक्जेंडर जिसको बोलते हैं। तो
वहीं के थे, तो यूनान का जो स्वतंत्रता संग्राम था, अब यूनान का स्वतंत्रता संग्राम यानी जाहिर है कि यूनान किसी के अधीन रहा होगा। 15वीं सदी से यूनान जो है ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था, और ऑटोमन साम्राज्य जो था एक मुस्लिम राज्य था, यानी कि ऑटोमन साम्राज्य तुर्की के खलीफा, तुर्की के जो खलीफा थे यानी कि तुर्की के जो शासक थे उसके सीधे अधीन जो राज्य था उनको ऑटोमन साम्राज्य कहा गया। वो यूनान से लेकर भूमध्य सागर के किनारे किनारे ये कह सकते हैं इसको मोरक्को तक फैला हुआ था। ये 15वीं क्रांतिकारी हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों को आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में प्रारंभ हो गया। 1815 में, अब देखिए इस घटनाक्रम को देखिए, 1815 में नेपोलियन का पतन होता है और वहाँ एक दमनकारी एक सरकार स्थापित होती है जो कि पुरानी रूढ़िवादी व्यवस्थाओं को लागू करना चाहती है, और उसके स्वरूप प्रतिक्रियाएं प्रारंभ वहाँ पर आना शुरू होता है। और उसके साथ ही देखिए उसके छः साल बाद ही यूनान में भी एक तरह का स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ होता है। यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ साथ यूनान में हो रहा जो राष्ट्रवादी थे, जो उस तरह के जो इस मूवमेंट में जो शामिल लोग थे, उनको बाहर जो निर्वासन का जीवन जी रहे थे उन यूनानियों के साथ साथ पश्चिमी यूरोप के बहुत सारे लोगों का समर्थन मिला जो कि प्राचीन यूनानी संस्कृति के साथ सहानुभूति रखते थे। ऐसा माना जाता है कि यूनान जो है प्राचीन यूरोपीय सभ्यताओं का पालना है, यानी कि पूरी दुनिया पूरे यूरोप की जो सभ्यताएं हैं उसका मूल जो है उनका जो बचपन जहाँ खेला जो बच उसका जो शैशवावस्था यूनान में ही रही है, यूनान से ही वो धीरे धीरे विकसित हुए हैं। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की, और मुस्लिम और ऐसे में एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान में संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। अब वो एक थोड़ा इसको वहाँ पर संघर्ष के लिए धार्मिक एंगल को भी बीच में लाया गया, सोशल एंगल को भी। अंग्रेज कवि थे लॉर्ड बायरन ने धन मतलब कुछ धन पैसा वगैरह इकट्ठा किया और वो युद्ध लड़ने चले गए, लेकिन बेचारे के साथ थोड़ा बुरा हुआ। 1824 में उनकी मृत्यु बुखार से हो गई। लड़ने गए तो थे वो शहीद होने, लेकिन बेचारे बीमार होकर मर गए। और तभी इसके बीच धीरे धीरे चूँकि युद्ध तो जारी था, वहाँ पर युद्ध चल रहा था, अलग अलग तरह का बहुत तरह का विरोध प्रदर्शन भी चल रहे थे, तो ऐसे में 1832 में कुस्तुंतुनिया की एक संधि हुई जहाँ से यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी गई, और वो यूनान तब से एक नया राज्य बन गया। कब बनाई? 1832। देखिए पहले 1815 नेपोलियन का पतन, 1821 वहाँ संघर्ष प्रारंभ हुआ, और 1832 कुस्तुंतुनिया की संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। अब देखिए एक राष्ट्रवाद जो है, राष्ट्रवाद को जो राष्ट्रीय भावना या राष्ट्रवाद जो थी उसको एक काफ़ी रोमांटिसाइज किया गया यहाँ पर, एक मतलब रोमानी रूप से देखा गया, रोमांटिक का रूप दिया गया इसको। राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों से संभव नहीं था, युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ और ना हो सकता है। राष्ट्र के लिए विचार के निर्माण में संस्कृति की एक अहम भूमिका निभाई, चाहे कला हो कहानी, कविता, संगीत, राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में काफ़ी सहयोग दिया। तो और इसकी जो रोमांटिसिज्म था, रोमानीवाद को देखें तो यानी कि इसको रोमानीवाद को क्या देखें, काफ़ी रोमानीवाद को हिंदी में इसको समझना है, इंग्लिश में ही समझिए, रोमांटिसिज्म रोमांटिक से ही रोमांटिसिज्म है। तो देखें एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। ऐसा विचार जो लोगों को अंदर से रोमांचित कर दे, ऐसे रोमांचक रूप देने की कोशिश की गई इन विचारों को, राष्ट्रीय भावना को। आमतौर पर रोमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क, ये लोग जो कि एक रोमांटिक कलाकार थे, जो कि राष्ट्रीय भावनाओं पर एक रोमांटिक विचार रखते थे, उन कवियों ने तर्क वितर और विज्ञानवाद की आलोचना की और काफ़ी आलोचना की महिमा जो, और उसकी जगह भावनाओं और अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। उनका प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाए। अब देखिए जब भी कहीं भी जब किसी खास क्षेत्र को जब आगे लाने की कोशिश की जाती है तो वर्तमान में बहुत सारी खामियां होती है, ऐसे में हमेशा एक इतिहास को एक वैभवशाली इतिहास चाहिए होता है, और जहां लोगों के पास एक समृद्ध ऐतिहासिक क्षेत्र रहा हो, समृद्ध इतिहास रहा हो किसी खास क्षेत्र का एक सामूहिक, तो ऐसे में राष्ट्रवाद की भावना को, ऐसे विचारों को पनपने में काफ़ी एक
मतलब उर्वर भूमि मिल जाती है। जर्मन दार्शनिक एक योहान गॉटफ्रीड जैसे रूमानी चिंतकों ने दावा किया था कि सच्ची जर्मन संस्कृति उसके आम लोगों में निहित थी। दास वोल्क यानी आम लोगों को, दास वोल्क में निहित थे। राष्ट्र जो कि जर्मन में वोल्कजिस्ट की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जन काव्यों और लोक नृत्यों से प्रकट होती है। यानी कि जर्मनी के बारे में ये कह रहे थे, यानी कि हर जगह की ऐसा ही एक माना गया कि जो किसी भी स्थान का जो असली जो संस्कृति है, जो रियलिटी वहाँ के आम लोगों में होती है, और उसके लिए वहाँ का जो फोक कल्चर है उसको आगे किया गया। स्थानीय बोलियों के बल पर स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र करने का स्थानीय बोलियों और एकत्र करने से केवल प्राचीन राष्ट्रीय भावना को वापस लाना नहीं था इससे, बल्कि आधुनिक जो राष्ट्रीय संदेश था वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना था। अधिकांश निरक्षर जनता तक और निरक्षर कहें या फिर कम पढ़े लिखे लोगों तक यदि सीधी अपनी पहुंच बनानी है तो वहाँ की किसी भी स्थान की जो स्थानीय भाषा है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए। आपके कंटेंट जब उस पर होंगे, उन भाषा में होंगे, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, लोगों से अधिक लोगों तक पहुँच सकते हैं। 18वीं सदी के अंत में रूस और प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्तियों ने पोलैंड का विभाजन कर दिया। यद्यपि पोलैंड अब स्वतंत्र भूक्षेत्र नहीं था, किंतु जो संगीत और भाषा के जरिए, लेकिन वहाँ पर जो एक पोलिश भाषा और वहाँ की जो संस्कृति थी उसके जरिए लोग आपस में जुड़े रहे। अब दुनिया के कई ऐसे देशों में ऐसा आपको देखने को मिलेगा जहाँ साझा संस्कृति है। देश तो अलग अलग हो गए लेकिन वहाँ लोगों की संस्कृति बिल्कुल एक जैसी है। और वहाँ पर अक्सर एशिया में ऐसे देश हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में हो, मेघालय, ये नागालैंड का मैटर हो, बंगाल का मैटर हो, या पंजाब का हो, यहाँ पर देखेंगे साझा संस्कृति दोनों तरफ रही है, और इसलिए कई बार बहुत एक समस्याएं भी लेकर आती है, और हालांकि ये अच्छा बात भी होता है। तो उसी के जरिए वो सब आपस में जुड़े रहे और भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना जीवित रखी गई। मसलन कैरोल कुर्पिस्की ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने ओपेरा और संगीत से गुणगान किया। कुर्पिस्की ने राष्ट्रीय संघर्ष को ओपेरा और संगीत से गुणगान किया। इन्होंने एक कलाकार थे जिन्होंने ओपेरा और संगीत के जरिए गुणगान किया और मजूरका जैसे लोक नृत्यों और राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया। मजूरका एक लोक नृत्य है और पोलनेस वहाँ की भाषा, इन दोनों को राष्ट्रीय प्रतीक में बदल दिया। वहाँ लोगों की राष्ट्रीयता का प्रतीक बन गया। भाषा ने राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब आसपास में लोग जो एक तरह की भाषा बोलते हैं वो एक साथ हो गए, और उनसे जो अलग भाषा बोलते थे वो धीरे धीरे छटने लगे या फिर उनसे लोगों ने दूरी बनाना शुरू कर दिया। तो रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों से बलपूर्वक हटाकर रूसी भाषा को हर जगह जबरन लादा गया। तो जैसे ही वहाँ पर रूस का कब्जा हुआ तो धीरे धीरे वहाँ पर इसको क्या कि वहाँ का जो स्थानीय भाषा था पोलनिस जो थी उसको बिल्कुल हटा दिया गया और वहाँ पर एक रूसी भाषा जबरन वहाँ पर लागू की गई, रूसी भाषा के पढ़ाई में कामकाज की भाषा। 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ जिसे आखिरकार कुचल दिया गया। हालांकि 1831 में एक विद्रोह हुआ, और सिर्फ 1831 में ही नहीं, ये विद्रोह भाषा जो रूसी साम्राज्य के लिए एक बड़ा सरदर्द बना रहा, क्योंकि रूसी साम्राज्य हमेशा हर जगह एक भाषा को जबरन लादने की कोशिश करता रहा, और इसका परिणाम ये हुआ 1917 तक, जब तक जार का पतन ना हो गया तब तक रूस के जो राजा होते थे उनको जार कहा जाता था, वहाँ के जार को जब तक कि जार का पतन ना हो गया तब तक वहाँ के लिए एक समस्या बनी रही। गैर रूसी जातियों द्वारा इसका विरोध किया जाता रहा। इसके अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को हथियार बनाया। चर्च के आयोजनों और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिश का इस्तेमाल हुआ। वहाँ पर जो है चर्च, जो पोलैंड का जो क्षेत्र था वहाँ पर चर्च के आयोजन हो या फिर किसी तरह धार्मिक शिक्षा, वहाँ पर पोलिश का इस्तेमाल हुआ। इसका नतीजा ये हुआ कि रूसी सरकार द्वारा बहुत से पादरियों और बिशप्स को गिरफ्तार कर लिया गया, और उस पर आरोप था कि रूसी भाषा का प्रचार न करने के आरोप में, और फिर उनको साइबेरिया निर्वासित कर दिया, साइबेरिया भेज दिया गया। उन्होंने रूसी भाषा का प्रचार करने से इनकार कर दिया था। पोलिश भाषा रूसी भाषा के प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी।
यानी कि अब चूँकि पोलिश भाषा और रूसी भाषा दोनों के बीच बिल्कुल एक टक्कर देखी जाने लगी और एक सीधा टक्कर होने लगा। अब आप यहाँ पर एक देखिए, एक पोलिश भाषा और यहाँ साइबेरिया। साइबेरिया क्या है आखिर, साइबेरिया को जाना, आखिर साइबेरिया में क्यों भेजा गया लोगों को, काफ़ी वहाँ की क्या स्थिति रही होगी, तो इसके बारे में थोड़ा आप पता कीजिए, जानकारी इकट्ठा कीजिए साइबेरिया के बारे में। चलिए अब बात करते हैं, अब ये जो यूरोप में अब एक नई था कि ये दौर था 1830 के बाद का, जब भूख और कठिनाई और जन विद्रोह, अलग अलग तरह के भूख थी, भूख अपने आप में बड़ी कठिनाई है, और भी मौसमी जलवायु कठिनाइयाँ रही होंगी, और फिर जन विद्रोह। 1830 का दशक जो है यूरोप में बहुत कठिनाई लेकर आया। 19वीं शताब्दी का जो प्रथम भाग में कहें कि उसके पूर्वार्ध में यूरोप में जनसंख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई। ज़्यादातर देशों में नौकरी ढूंढने वालों का तादाद उपलब्ध रोजगार से अधिक थी। अब यहाँ पर क्या था, ग्रामीण क्षेत्रों से अतिरिक्त आबादी जो शहर जाकर भीड़ भरी, मतलब वहाँ पर जो स्लम्स थे, जो आज भी देखें यदि दिल्ली मुंबई के बाहर जो कि झुग्गी झोपड़ियाँ होती है, वैसी ही झुग्गी झोपड़ियों में वैसे स्लम में जाके वो बसने लगे। और क्योंकि काम कम था, नगरों में उत्पादकों को अक्सर इंग्लैंड से आयातित जो माल था, इंग्लैंड उस समय एक हाईली मैकेनाइज्ड इकोनॉमी बन चुकी थी, उनके पास बेहतर मशीनें थी, बेहतर व्यवस्था था, और उनका रॉ मटेरियल्स और फिर सामान को खपाने के लिए एक बेहतर बाज़ार था, क्योंकि तब तक वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लगभग भारत में अपना पूरा पैर पसार चुका था, पूरी बिल्कुल एक शक्ति बनकर उभर चुका था भारत, और एशिया लगभग कहें कि पूरी दुनिया में वो फैल चुका था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण का स्तर पूरे दुनिया में सबसे ऊँचा था। महाद्वीप को यह प्रतिस्पर्धा कपड़ा उद्योग में ज़्यादा झेलनी पड़ी। यूरोपीय महाद्वीप को कपड़ा उद्योग में ये समस्या ज़्यादा झेलनी पड़ी, क्योंकि उसका उत्पादन मुख्यतः घरों और छोटे कारखानों में होता था। पोलैंड में क्या था, और वहाँ जो कपड़ा का जो उत्पादन था, या फिर जो पूर्वी यूरोप का हिस्सा, सिर्फ पोलैंड ही नहीं, सॉरी यह पोलैंड की बात नहीं हो रही है, पूर्वी यूरोप के हिस्से थे जापान, बाकी वहाँ मैकेनाइज्ड अर्थव्यवस्था जो थी वो मेनली कहें तो फ्रांस और ब्रिटेन के पास थी, जो कि एक विकसित स्थिति में थी। बाकी का जो यूरोप था, पूर्वी यूरोप था, वो अभी भी काफ़ी पिछड़ा हुआ था। यहाँ पर कपड़े का जो निर्माण था वो या तो घरों में होता था या फिर छोटे कारखानों में होता था, केवल आंशिक रूप से मशीनीकृत था। यूरोप के उन इलाकों में जहाँ अभी भी कुलीन वर्ग सत्ता में था, कृषक सामंती शुल्कों और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा हुआ था। खाने पीने की चीज़ों के मूल्य बढ़ने या कभी कभी फसल नष्ट हो जाने की वजह से गाँव में व्यापक गरीबी फैल जाती थी, और ये सारी चीज़ें वहाँ पर कठिनाइयों को, जन विद्रोहों को, लोगों में जो सरकार और सत्ता के प्रति जो एक असंतोष होता है, इसको बढ़ावा देता था। 1848 ये जो है 1830 से 1848 जो क्रांतियों का जो अंतिम, क्रांतियों के दौर का जो ये अंतिम साल रहा है, इसमें एक ऐसा वर्ष था जब था खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी से पेरिस के लोग सड़कों पर आ गए। ये फ्रांस की बात है, यानी कि जबकि फ्रांस की बात करें तो ये कुछ हद तक, बहुत ज़्यादा हद तक ये मैकेनाइज्ड इकोनॉमी थी, काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन नेपोलियन के पतन के बाद फिर से वहाँ रूढ़िवादी ताकतों ने इन सब को, ये सारी चीज़ें मतलब वो संभाल नहीं पाए। सड़कों पर उतर आए, जगह जगह अवरोध लगाए, सड़क जाम कर दिया पूरा, जैसे हम लोग भी अक्सर यहाँ देखने को, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में ऐसा देखने को मिलता है, जब जनता सरकार के खिलाफ उतरती है, सड़क जाम करती है वगैरह वगैरह, इस तरह के विरोध प्रदर्शन होते हैं। लुई फिलिप को पेरिस छोड़कर भागना पड़ा, और जो नेशनल असेंबली थी, उन्होंने जो राष्ट्रीय सभा थी वहाँ की नेशनल असेंबली, उन्होंने एक गणतंत्र की घोषणा कर दी, और उन्होंने 21 वर्ष के से अधिक के उम्र के सभी लोगों को एक वयस्क मताधिकार जो था ना, एक वयस्क मताधिकार दे दिया सबको, मतलब यूनिवर्सल सफरेज की बात की गई। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित की, और वहाँ पर और काम के अधिकार की गारंटी दी गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर काम के अधिकार की गारंटी दी गई और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए। तो चलिए पता कीजिए, क्या अपने देश में भी काम के अधिकार की गारंटी है? गारंटी है तो वो कब और कैसे आया था, क्या है उसका नाम ऐसे स्कीम का, तो पता कीजिए इसको। इससे पहले 1845 में सिसिलिया बुनकरों में ये, इसमें कहानी है बुनकरों की, यहाँ पर इसको एक पढ़ लें, इसको कहानी है थोड़ा सा, के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिन्होंने कच्चा माल देकर निर्मित कपड़ा लेते थे परंतु दाम बहुत कम थे। पत्रकार विलहम वोल्फ ने सिसिलिया के गांव की घटनाएं इस प्रकार बयान की है, इसमें कहानी है, आप लोग इस कहानी को किताब से या फिर यहाँ पर भी आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लें।
ठीक है, छोटी मोटी छोटी सी कहानी है कि एक विद्रोह को कैसे विद्रोही मतलब वो ठेकेदारों के घर लूटते हैं वगैरह। तो अब है कि क्रांतिकारियों में अब एक और वो था जो कि पढ़े लिखे जो उदारवादी लोग थे, पढ़े लिखे जो जो अभिजात वर्ग था वो उदारवादी, उन्हें उदारवादी कहा गया, जो कि उदारवाद जो कि संविधानवाद में विश्वास रखते थे, जो कि सीधे सरकार से टकराव की स्थिति में नहीं रहते, मतलब वो टकराव लेना नहीं चाहते थे। 1848 में अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विरोध कर रहे थे। तब उनके उसके समांतर पढ़े लिखे मध्य वर्गों की एक क्रांति भी हो रही थी। फरवरी 1848 की घटनाओं से राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी, यानी फ्रांस में जो राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी ये फरवरी 1848 में, वैसे फरवरी क्रांति बोलते हैं, दो क्रांति, एक जुलाई क्रांति और एक फरवरी क्रांति, दोनों को याद रखेंगे। 1848 में ये घटना जब राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी थी और एक गणतंत्र की घोषणा की जो सभी पुरुषों को सर्वाधिक मताधिकार पर आधारित था। यूरोप के अन्य लोगों के भागों में जहाँ अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, वहाँ उदारवादी मध्य वर्गों के स्त्री पुरुषों, अब हुआ एक यूरोप के कुछ, देखिए यूरोप में जैसे फ्रांस और इंग्लैंड जो एक राष्ट्र राज्य के रूप में भी निकल कर आए थे, लेकिन अभी कुछ क्षेत्र थे जैसे कि जर्मनी का, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, वहाँ भी उदारवादी वो भी राष्ट्र राज्य के रूप में नहीं बने थे। तो वहाँ के उदारवादी मध्य वर्गों के स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया। उन्होंने बढ़ते जन असंतोष का फायदा उठाया और राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांगों को आगे बढ़ाया। अब असंतोष का फायदा उठाया और राष्ट्र राज्य के निर्माण के लिए वो अब संघर्ष करने लगे। अब यह था कि राष्ट्र राज्य, संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था, जो कि वहाँ की जो ऑटोक्रेसी थी या मोनार्की थी उनके लिए बड़ा सरदर्द था ये कि प्रेस की आज़ादी, संविधान, क्योंकि वो तो निरंकुश शासक थे, उन्हें कहाँ संविधान सम्मत या संविधानवाद में विश्वास होगा। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में जाकर एक जमा हुए और वहाँ पर सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया और 18 मई 1848 को 831 तो फैसला किया और उन्होंने अपने 831 प्रतिनिधियों का निर्वाचन भी कर दिया और ये निर्वाचित प्रतिनिधि एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया और यह संसद जो है सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुआ। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था, यानी कि एक जो होता संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई, जिन्हें एक ऐसा राजा रहा होगा जो कि संसद के अधीन रहेगा। जब प्रतिनिधियों ने प्रसा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की, उन्होंने उस राजा से कहा कि आपने हमारे राजा को ताज पहनाइए, इनकी ताजपोशी कीजिए ताकि हमारी सत्ता को जो हमारी उनको मान्यता मिल सके आपसे और बाकी दुनिया से, तो उन्होंने मना कर दिया और वो उसके जो भी उन्होंने अस्वीकार कर दिया और उन राजाओं का साथ दिया जो कि निर्वाचित सभा के विरोधी थे, कुछ जो कि उस समय के जो मतलब कह सकते रूढ़िवादी जो शासक थे उनके साथ वो चले गए। अब हुआ ये जहाँ कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ता गया, वहीं संसद का सामाजिक आधार भी कमज़ोर हो गया। संसद में जो थे इस कारण संसद का आधारित अब चूंकि राजा को मान्यता नहीं मिली, ऐसे में सेना क्या करे, सेना राजा के साथ हो या इसके साथ, दोनों के बीच मतभेद बढ़ने लगा संसद और सेना के बीच, और संसद का भी समाज में सामाजिक आधार कमज़ोर हो गया। इसका कारण था कि संसद में जो लोग आए थे वो मध्य वर्ग थे, जो वो तो बेसिकली कंपनियों के मालिक थे या फिर वो वहाँ पर काम करने वाले बड़े अफसर वगैरह, अधिकारी वगैरह थे, तो उनका जो किसानों और वर्क जो कर्मचारी थे, वर्कर्स थे, लेबर्स थे, उनसे उनके विरोधों, उनके जो मांगों को वो नहीं मान सके, उनका विरोध करने लगे, जिससे वो उनका समर्थन खो बैठे। अंत में सेना आई और असेंबली को भंग होने पर मजबूर हुई। उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने का मुद्दा एक विवाद का विषय रहा है हमेशा से। हालांकि आंदोलन जब भी शुरुआत हुआ आंदोलन में तो महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, इसमें काफ़ी रूप से सक्रिय रही थी। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन बनाए, अखबार शुरू किए, राजनीतिक बैठकों प्रदर्शनों में भाग लिया। इसके बावजूद भी असेंबली चुनाव के दौरान उन्हें मतदान का अधिकार नहीं दिया गया, मताधिकार से वंचित रखा गया। जब सेंट पॉल चर्च के फ्रैंकफर्ट संसद
की सभा आयोजित की गई थी तब भी महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक दीर्घा में खड़े होने का अधिकार दिया गया था। बाप रे, आप समझ सकते हैं कि कैसी व्यवस्था रही होगी। हालांकि रूढ़ीवादी ताकतें 1848 में उदारवादी आंदोलन को दबा पाने में कामयाब हुई। रूढ़ीवादी ताकतें 1848 में जो ये थी आंदोलनों को दबा दिया गया, ये सारे आंदोलन कुचल दिए गए। लेकिन राजाओं को यह समझ में आना शुरू हो गया कि उदारवादी राष्ट्रवादियों को अब ज़्यादा ऐसे दबाया नहीं जा सकता। इसको दबाने का एक ही तरीका है कि अब धीरे धीरे निरंकुशता कम की जाए और राजशाहियों में परिवर्तनों को आरंभ कीजिए जो कि पश्चिमी यूरोप में पहले लागू हो चुके हैं, 1815 से पहले हो चुके थे। इस प्रकार हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों में रूस में भूदासत्व बंधुआ मजदूरी वगैरह समाप्त कर दी गई और इससे आसपास के जो निरंकुश शासक थे उनसे वहाँ पर खतरा बढ़ने लगा। तो ये तो था हमारा, ये इसमें कहते हैं इसको क्रांतियों का युग 1830 से 48 तक, ये ऐसी विचार चलती रही। इसमें आप थोड़ा देखिए महिलाओं का, इसमें कुछ शब्द हैं नए और नए शब्द हैं, विचारधारा है और क्या है इसमें, देखिए कुछ कहानी है, एक 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 दो आर्टिकल हैं उसको भी आप पढ़िए और फिर तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग बात करेंगे अब हम लोग जर्मनी और इटली के निर्माण के बारे में। तो इसको हम लोग एक बार आप लोग खुद से स्टडी करिए, एक बार मार लीजिए रीडिंग, उसके बाद हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।